नमस्कार, मेरे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी रबी फसल की सीजन आई है और नर्मदा नहर में किसानों द्वारा हमें सूचना दी गई कि हमारी जो लास्ट टाइम की जो सीजन थी वो पूरी खराब हो गई थी, क्योंकि पानी ही नहीं मिला था। तो हमने हमारे यहाँ से एक व्हाट्सएप नंबर दिया, उसमें किसानों को जो भी तकलीफ़ है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डालो। तो किसानों की ओर से हमें सूचना मिली कि नर्मदा नहर के कई जगह टूटी हुई है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। फिर हमने पत्रकार महोदयों से भी बात की कि हम आपको एक बार बुलाना चाहते हैं, और हमने न्यूज़पेपर में दो तीन दिन चल रही है ऐसी न्यूज़ कई कई लाखों नहीं करोड़ों रुपयों में इन लोगों ने बार पैसा उठा लिया है, और ज़मीनी स्तर पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वो हमारे पास कई ऐसे व्हाट्सएप आए। आज सुबह हम अधिकारियों के पास गए थे, उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि काम हो गया है, हम करवा देंगे। तो हमने उनको हमारे पास जो भी किसानों द्वारा जो हमें व्हाट्सएप पे जो बताई कि ये पे यहाँ पे नहर टूटी हुई है, यहाँ पे नहर भरी हुई है, तो हमने उनको बताया तो कि हम 15 दिन में कर देंगे। पहले तो उन्होंने बताया कि हमारा काम हो गया है, फिर हमने बताया भी आज करोड़ों रुपए आपने उठा लिए, आपने तो काम तो बताओ ज़मीनी स्तर पे आपने क्या काम किया। तो हमने किसानों द्वारा जो सूचना मिली उनमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, तो करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है ये हमें प्राप्त हुआ है। और हम तो यही चाहते हैं कि किसानों को रबी की सीजन आ रही है, उसके टाइम पर पानी मिले, तो हम यही चाहते हैं। इसको लेकर के कोई विशेष अपडेट कहाँ पर फर्जी भुगतान हुआ है, किस जगह हुआ है, कुछ जानकारी अपने पास अगर विशेष हो तो बताओ। हमारे पास देखिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और लगातार आप हमारे चौथे स्तंभ हैं, और अखबार में खबर भी आ रही है और वास्तविक सही भी है। उसकी IRTI के तहत नकलें भी हैं जो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमें किसानों के प्रति इस प्रकार का कोई भी कार्य स्वीकार नहीं जो किसानों के हित में हो। जैसे ही हमारे पास में ये खबरें आई, हमारी सारी टीम भाई दानाराम जी अधिकारियों से वार्ता की, और हमें आशंका हुई रबी की सीजन में किसानों को पानी नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ थोथी बातें कर रहे हैं नर्मदा विभाग वाले। 20% भी काम नहीं हुआ, नहरें अभी टूटी हुई पड़ी है और झाड़ियों से अटी हुई पड़ी है, रेती भरी हुई पड़ी है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम इनको 15 अक्टूबर को पानी दे देंगे, जो संभव नहीं है। और ये सरासर किसानों के साथ धोखा दिख रहा है, इसलिए हमें सावधान होकर विभाग पर प्रेशर करके किसानों के हित में ये कार्य करवाने हैं। दुर्भाग्य होता है और शर्म आती है कि यहाँ के जिम्मेदार जो भी जनप्रतिनिधि है उनके बिना इस प्रकार का भ्रष्टाचार संभव नहीं है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के द्वारा उनको कहना चाह रहा हूँ कि किसानों के हित के लिए इस प्रकार की बात के लिए खुले में आए और किसानों को समय पर पानी मिले, इसलिए आप सब काम करें। नहीं दुर्गाराम जी, एक छोटी सी बात संक्षेप में बताओ कि कितने करोड़ का भुगतान उठा और किस फ्रेम ने उठाया? 4 करोड़ का इनका टेंडर दिसंबर 22 में हो चुका था, जिसके करीब 3 करोड़ रुपये उठ गए हैं, और काम उनका 20% भी वहां नहीं हुआ है। इसमें लापरवाह, हमारी मांग है कि इसमें जो लापरवाह अधिकारी है उनको सस्पेंड करें और उन पे FIR लॉन्च हो और जांच करके उनको जेल में डालकर वापिस ये जितनी भी भ्रष्टाचार वो पैसा रिकवरी करके विभाग के खाते में आए। ये कार्य कहाँ कहाँ हुआ है, ये जो आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, ये मतलब किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? चतुर्थखंड। ये चतुर्थखंड में हुआ है। ये इसकी फर्म किसके नाम का है, जो ठेकेदार कौन है? हाँ सर, आराम जी। हाँ सर, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, ये प्रदेश की नर्मदा नहर परियोजना महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, और ये साचौर में इतनी पवित्र नहर का आगमन 2008 में हुआ था, और जैसे इसका आगमन हुआ
जो हमारे किसान बंधुओं को आशा और अपेक्षा थी उसके मुताबिक ये अधिकारियों वरिष्ठ अधिकारियों की वजह से किसानों को लाभ नहीं मिला। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये महत्वपूर्ण नर्मदा परियोजना साचौर की थी, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 2008 से आज दिन तक कभी भी इन अधिकारियों ने समय पर पानी नहीं दिया। फसल की बुआई के समय इन्होंने पानी कभी किसानों को नहीं दिया और अधिकतर पानी ये अवर फलों में छोड़ते हैं। किसानों के खेतों के माइनरों में नहीं जाता पानी और अवर फलों में ये पानी छोड़ते हैं। वो पानी कस के रण में जाता है और कस के रण में फिर ये समुद्र में मिल जाता है। कितना अमृत जैसा जल है, एक बोतल के 20 रुपये लगते हैं, हजारों हजारों क्यूसिक पानी है वो समुद्र में जाता है और ये अधिकारी किसानों के पैसे खेतों तक नहीं जाने देते हैं। ये इनकी मतलब लापरवाही कहिए या भ्रष्टाचार कहिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों के हिसाब से किसान दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा। गत वर्ष संपूर्ण नहरों पे इन्होंने समय पर पानी नहीं दिया, पानी जाके इन्होंने दिया जनवरी में। किसान कीमती जीरे के बीज खेतों में डाल दिए और निराश होकर आंसू बहाते हुए किसानों ने बीज डाल दिए और सारे माइनरों पर किसान अपने घर की ओर लौटे और इन्होंने समय पर पानी नहीं दिया। इस बार भी यही होने वाला है। साचौर की ये लिफ्ट कैनाल जिस पर 40,000 हेक्टर सिंचाई के लिए जमीन आपदा है और 52 गांव आते हैं, 46 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गत वर्ष इन्होंने बिल्कुल पानी नहीं दिया और इस बार इन अधिकारियों ने जानबूझ के साचौर क्षेत्र में कई बार कोई वितरिका नहीं टूटी और साचौर वितरिका टूटी। सारे अवरफ्लो जो गेट थे, बरसात के टाइम नहरों का नियम है गेटों को बंद खुला रखा जाता है, इन्होंने बंद रखा। बंद रखने से सारी की सारी जो ये साचौर लिफ्ट कैनाल है ये पूरी 3-4 जगह से टूटी, सारे माइनर टूटे, अवरफ्लो और माइनरों के गेट बंद रखे। इसकी वजह सीधी सीधी ये थी कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के टेंडर होंगे, ठेके होंगे और उसमें अपना भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने जानबूझकर करोड़ों रुपयों की नहर का सत्यानाश कर दिया। और किसान पाइप से पानी लेते हैं तो किसान को धमकी देते हैं कि आप हम राजकार्य में मुकदमा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की उस स्तरीय जांच हो और जिन अधिकारियों ने जानबूझ के इस नहर को तोड़ी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वो अधिकारी सस्पेंड हो। और हमारी मांग है कि समय पर हमें लास्ट तम 25 अक्टूबर तक किसानों को पानी दे। अगर समय पर पानी नहीं आया तो किसान खेती नहीं कर पाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। और समय पर पानी नहीं दिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, तमाम जवाबदारी सरकार की रहेगी। चोगाराम जी, बिल्कुल सही बात है। नहर का पानी मतलब गई साल भी लोगों को तो मिला और लोगों ने बहुत कीमती बीज बोया है। जीरे का 1 किलो 700-700 रुपये भाव है, तो गई साल भी नुकसान, इस साल भी हमको ऐसा अंदेशा लग रहा है कि पानी समय में नहीं मिलेगा। इन्होंने भ्रष्टाचार खूब किया है, न तो सफाई हुई है, अभी झाड़ियाँ अटी पड़ी है और अभी 15 दिन रहा है पानी देने का समय, अभी फसल तो आ गई है तो 15 दिन में कितना काम करेंगे। इन्होंने पैसा पहले उठा लिया और काम तो करना ही नहीं है और पुराना बता दिया हमने ये काम किया है। कल हमारे बैठक थी एडीएम साहब की, हम साथ में थे पूरा डिपार्टमेंट पूरे जिले का और एसडीएम साहब चित्रमणा भी थे, सांसद भी, तहसीलदार साहब भी थे। उन्होंने रूप फोटो लिए जाके एसडीएम साहब ने खुद ने कि मौके पे कोई काम नहीं है नहीं। और पेमेंट उठा लिया, उन्होंने फोटो भी लाए और उनको पूछा भाई आपने काम कौन सा किया, पुराना वो काम बताया इन्होंने। तो ये हालत है उसी नहर का और बिजली का भी यही हालत है। आज मतलब 18 की जो फाइल निकली है गई साल 16 से 18 की, किसी के किसान को डिमांड भर दिया, आज 2-2 साल हो गए, 3-3 साल, लेकिन कोई सामान नहीं है इनके पास, एक लोटिया भी नहीं है, न समय पे बिजली आती है, न कोई सामान है। और एक डीपी जल जाए तो 15-15 दिन किसान भटकता है और डीपी का 5-10 हज़ार रिश्वत लेते हैं। प्राइवेट आदमी बैठे हैं आज ऑफिसों के अंदर, कोई भी विभाग में जाओ, राजस्व में जाओ, बिजली में जाओ, जल में जाओ, प्राइवेट आदमी बैठे हैं और पैसे लेते हैं, खुला पैसा, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के खुद मंत्री सांसद के और फिर भी यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। इतना अत्याचार दिन दहाड़े घटना है, जैसे वीरू के अंदर 2 भीलों की बच्चियों को अपहरण किया, बलात्कार किया, नहर में डाला, कोई मुकदमा ही नहीं हुआ, सब रफा दफा कर दिया, कोई यहाँ पूछने वाला है ही नहीं। ऐसा जंगल राज हमने तो जिंदगी में देखा ही नहीं। नहीं, मुद्दा नहर का, आप किसान संघ से जुड़े हुए हो जी और फर्जी भुगतान की बात हो रही है, तो ये मुद्दा आपने पहले क्यों नहीं उठाया, क्योंकि ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। आपको मालूम अभी पड़ा है
मालूम पड़ा हमने उठाया पहले आपको कब उठाया। अब काम अभी चल रहा है, अभी हमने कल मीटिंग की ज्ञापन दिया 15 दिन पहले हमने, और हमने मौका भी देगा तब जाके मालूम हुआ। बोलो दोस्तों। बस मेरे पूर्व भाइयों ने किसान भाइयों ने बताया भ्रष्टाचार शर्म सीमा पर है। नर्मदा का जो मेन ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ मानी जाती है सांचौर वासियों के लिए, जो मुख्य कैनाल है, मुख्य कैनाल के अंदर और माइनरों के अंदर रेत से भरी पड़ी है और झाड़ियाँ बबूल है उनके पे टेंडर करके करोड़ों रुपये अधिकारी ने उठा लिए हैं और मौके पर कोई साफ सफाई नहीं। पिछली बार भी किसानों के साथ में ये हुआ, करोड़ों रुपये की फसल को उन्होंने जमीन के अंदर डाल करके फिर वापस किसान आंखों में आंसू बहाते बहाते घर जाना पड़ा। यही हालत इसी साल में होने वाली है। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, पहले नवरात्रि के अंदर सीजन रबी की चालू हो जाती थी, अभी ये 15 दिन के अंदर सफाई क्या करेंगे। करोड़ों रुपये के भुगतान जो बिना काम इन्होंने उठा लिए हैं उन पर लिपापोती में लगे हुए हैं। हमारे को मीडिया जो लोकतंत्र का स्वतः स्तंभ है, मीडिया के मार्फत हमारे को जानकारी मिली, हमने देखा तो हम स्तंभ रह गए। इतना भ्रष्टाचार शर्म सीमा पर है। और यहाँ के जो सजीदा अपने आप को मंत्री जी कहते हैं, बिल्कुल अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ऐसी इनके शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए और भ्रष्ट जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ FIR हो के उनको सजा होनी चाहिए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आपने एक अच्छी तरह से सोच करके आज ये बेड़ा उठाया सबने मिलकर के। मुझे तो दुख इस बात का है कि 2008 के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट नर्मदा नहर परियोजना का आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने यहाँ पर जो उद्घाटन किया था, तब एक लहर सांचौर के अंदर इस प्रकार की थी कि खुशी में समा ही नहीं रहे थे कि नहर आ रही है, अपन हर तरह से समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होंगे, और जब किसान समृद्ध होगा तो जिला समृद्ध होगा, तहसील समृद्ध होगी और देश समृद्ध होगा। लेकिन 15 साल हो गए उस चीज़ को। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीने का पानी सांचौर शहर के अंदर नहीं मिल रहा है। 15 साल के अंदर कोई योजना न बना करके और आज दिल्ली के 800 और 900 रुपये में टैंकर के पानी लोग डलवा करके गरीब तबके के लोग टैंकर से पानी पी रहे हैं, तो नर्मदा नहर सांचौर निकलने का औचित्य क्या रहा। मेन जो आज जीविकोपार्जन के अंदर पानी के बिना आदमी खाए बिना तो रह जाएगा, लेकिन पानी के बिना वो आदमी मर जाता है। लेकिन ये इस नहर के अंदर और बाकी जो भ्रष्टाचार की बात चल रही है वो बिल्कुल सही है कि एक वितरिका के अंदर दो दो बार कार्य, एक बार पूरा हो गया उसका दो दो तीन तीन बार उसका पेमेंट उठ गया और धरातल पर कोई काम ही नहीं है। तो आप लोगों का भी फर्ज है और किसान नेताओं का भी फर्ज है, मैं तो कहूँ उनका पूरा सर्वे करें और धरातल पर जाकर के उनकी पूरी जांच करावें कि वास्तव में भ्रष्ट अधिकारी इसमें किस किस प्रकार से इन्वॉल्व है। और इस सांचौर तहसील को, जिले को, अभी तो जिला भी बढ़ गया है, अपन भाग्यशाली है, लेकिन इस पूरे जिले को बदनाम करने में लगे हुए हैं और बदनाम होने का कारण भ्रष्ट अधिकारी सब है और भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए ये सब लिपातोपी हो रही है। करोड़ों का चार चार करोड़ का बजट रिपेयरिंग के लिए पैसा आता है, गवर्नमेंट देती है, और वो पैसा उस धरातल पे लगे ही नहीं। आज बबूल की झाड़ियां खड़ी है उस वितरिकाओं के अंदर, आप जाकर के देखो, रेत से भरा हुआ पड़ा है और फिर पीछे वालों का पानी बंद करके आगे ले जाने के लिए ये ट्राई करते हैं, कैसे पानी पहुंचेगा आगे, और वो पैसा खा गए पानी उस चोर लास्ट चोर तक पहुंचने का सवाल ही नहीं, और वो किसान वंचित रहेगा, खेतीबाड़ी से वंचित रहेगा, और जो खेतीबाड़ी से वंचित रहेगा उसका परिवार कितना मतलब लालायती होता है कि पानी पड़ोस में 4 किलोमीटर पर पानी चल रहा है और मुझे यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, मेरा खेत खाली पड़ा है। तो इस प्रकार की ये जो चल रही है गतिविधियाँ, इसकी मैं तो दिल से भर्त्सना करता हूँ, ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बोलो साहब। पत्रकार साथियों, ये ज़्यादा आपको आप प्रसिद्ध हो ये बात, हूँ 3 बार नहर सफाई करने के लिए बंद की है और 3 बार इस 5-10 दिन राह कर पानी
पानी वापिस छोड़ देता है, तो वही गंदा पानी आता है। इस तो सब भाई तो करने की नाम ही नहीं है, बजट गिदा उठाए क्यों उठाए वो तो अलग ही बात है, नहीं कोई मजदूर दे का है, नहीं कोई मारे साधन दे का है, नहीं माँ कोई रेत ली है। मैं कम से कम 3-3 फुट मैं बढ़िया है, गंदे गंदे जानवर बढ़िया है और जानवर मारने के लिए बंद करता है छोड़ता है। इस कोई सरकार को जानवर मारना बंद करना यही विकास, इन अलावा कोई विकास नहीं है। मन तो वो दिए ये पानी चालू है तो बड़े तो दिन तो नहीं रहे, कोई मतलब नहीं। ये सफाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। आज भ्रष्टाचारी की तो आ रही है, क्यों आ रही है कि 3 बार बंद किया, 3 बार में कोई काम नहीं और सफाई नहीं। ये बात को तो कोई ना कोई तो इसकी इन वाला राज है, तो राज आप पत्रकार बंधुओं आप भी इसको जाँच कराओ। और नेता लोग भी कहते हैं, दान जी को कहते हैं और यहाँ मंत्री है उसको भी कहते हैं कि आप ये काम जांच कराओ, कौन दोषी है, दोषी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। एक किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, कर्मचारी हैं, कर्मचारी ईमानदारी होगा कि भ्रष्टाचारी आएंगे तो ज़्यादा ही है, कोई ईमानदारी का होता तो वो तो उसको होना ही पड़ता है। ये है साहब, धन्यवाद। चलो साहब।